जय श्री राधे, जय निताई। श्री हरिनाम प्रेस की ओर से मैं हेमांग कृष्ण नांग्या आप सबको प्रणाम करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। साधुवाद, प्रणाम। जय श्री राधे, जय निताई। कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य, इसका मतलब धर्म का त्याग कर दो ये नहीं है, कर्मकांड का त्याग कर दो ये नहीं है, कर्मकांड में साधन बुद्धि का त्याग करो, ज्ञान में साधन बुद्धि का त्याग करो, भक्ति में भी साधन बुद्धि का त्याग करो। भक्ति भगवत कृपा के द्वारा प्राप्त है, भक्ति के द्वारा कृपा का आकर्षण होगा, भक्ति भगवान की प्राप्ति का अकेला स्वतंत्र साधन है, सो नहीं है। भक्ति के साथ में कृपा मिलेगी तो भक्ति कृपा के द्वारा भगवान की प्राप्ति होगी, पर कृपा में सहायक होकर के भक्ति विराजमान है। अतः भक्ति का स्वरूप त्याग नहीं, तो कर्म ज्ञान और भक्ति इन तीनों का स्वरूप त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। स्वरूप त्याग होगा तब जो जो भक्ति बढ़ती जाएगी तब कर्म अपने आप छूटता हुआ चला जाएगा। ज्ञान में भी यही बात कही गई कि न कर्म त्यजते योगी, योग भी कर्म भी त्यजते ही सह, योगी कर्म का त्याग नहीं करता है, कर्म योगी का त्याग कर देता है। तो भक्ति जब होगी तो भक्ति कर्म को अपने आप छुड़ा देगी, हमको कर्म का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। कर्म का जो स्वरूप रूप में त्याग करना वह उतनी अच्छी बात नहीं है, अनधिकार की स्थिति में स्वरूप कर्म का त्याग करना यह गृहस्थी के लिए उचित नहीं है। इसलिए भगवान आदेश देते हैं कुरुत्वं प्रेत कार्याणि, तू कर्मकांड का सेवन करते हुए पिता का प्रेत कार्य कर, अर्थात श्राद्धादिक जो कर्म है उनको कर। भगवान ने यहाँ पर कर्म मार्ग को आदर प्रदान किया कि कहीं तेरी देखा देखी ऐसा न हो कि अनधिकारी लोग भी कर्म का त्याग कर लें, भक्ति करें नहीं और कर्म का त्याग कर लें, तो ऐसी स्थिति में भी अंतराय के पात्र बन जाएंगे, बाधा के पात्र बन जाएंगे। श्री भगवान को जिसने प्रसन्न देखा, ब्रह्मा जी आए चरणों में प्रणाम किया, ब्रह्मा ने बड़ा अच्छा हुआ इस दुष्ट को आपने मार दिया। ब्रह्मा को देखते ही भगवान को तो झुझल चढ़ाई, झुझलाते हुए बोले कि मैं बड़ा सुहांत प्रदेश पद्म संभव, बोले अरे पद्म संभव, पद्म संभव कहकर के दिखा रहे हैं कि अरे जड़ बुद्धि, तेरा जन्म पद्म से हुआ है और बाप के बोल बेटा में आई, तू भी जड़ बुद्धि है, जरा भी बुद्धि नहीं है। ब्रह्मा तो एकदम सकपका गए, बोले भगवान क्या कह रहे हैं। भगवान डांटते हुए बोले, बोले असुरों को कहीं ऐसा वरदान दिया जाता है, खबरदार ऐसे पर मैं बड़ो असुरानते तो वे पद्म संभव, अब आगे कभी असुरों को ऐसे वरदान मत देना। ब्रह्मा को सक पका गए और भीड़ में छिप गए हैं, मुंह छुपा लिया, जान गए कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा कम है, शिव जी के ऊपर ज्यादा कृपा है। शिव जी असुरों को खूब वरदान देते हैं, परंतु भगवान ने शिव को कभी ही नहीं डांटा कि वरदान मत दिया करो, और मैंने एक बार वरदान दिया तो मुझे सभा के बीच में मेरा माजना पाल दिया भगवान ने, मेरी सारी गर्भा को उतार करके रख दिया है। तो ब्रह्मा जी उस समय दूर सड़क गए हैं। श्री कृष्ण भी उस समय आनंद पूर्वक सुखपूर्वक सिंह सिंह भगवान विराजमान हुए। श्री नारद जी कह रहे हैं कि एषा ब्रह्मण्य देवस्य कृष्णस्य च महात्मनः अवतार कथा पुण्या, ये हमने तुम्हारे सामने श्री कृष्ण की पुण्यमय अवतार कथा का वर्णन किया, क्योंकि अवतार कथा कर रहे हो नृसिंह जी की और कह रहे हो कृष्ण की अवतार कथा। बोले जितने भी अवतार हैं, स्वांश हैं, वे कृष्ण से अलग नहीं है। श्री जीवात्मा पर्यंत अंतर्यामी जो परमात्मा है, उस परमात्मा पर्यंत
सारे जो अवतार हैं वे पुरुष से लेकर के और अंतर्यामी पर्यंत जितने भी अवतार हैं वे सब श्री कृष्ण के ही अवतार हैं। इसलिए कृष्ण शब्द का प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है। अतः ऐसा ब्रह्मण्य देवस्य कृष्णस्य च श्री संकारिकों के ऊपर कैसी कृपा, ब्राह्मणों के ऊपर कैसी कृपा, उनके वचनों को सत्य करने के लिए जिन्होंने नृसिंह अवतार धारण किया उस शाप को सत्य करने के लिए। ये अवतार कथा हमने तुम्हारे सामने वर्णन की जिसमें आदि दैत्य हिरण्याक्ष का, हिरण्यकश्यप का वध निरूपण किया है। इस कथा को जो श्रवण करेंगे उनकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण होंगी। श्री रुद्र की भी सारी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले भगवान कृष्ण ही हुए। एक बार दैत्यों ने मैं दैत्य से प्रार्थना की कि हमको एक दुर्जय विमान रचना करके दो। उस समय मैं दैत्य ने त्रिपुर की रचना करके दैत्यों को प्रदान किया। दैत्य उस विमान में बैठ करके देवताओं से युद्ध करने के लिए आए। उस त्रिपुर की विशेषता ये कि कभी भी वो पुर तीनों पुर अलग अलग हो जाए, कभी भी मिल जाए, जिस समय पुष्य नक्षत्र आए उस समय विशेष रूप से वे तीनों पुर मिले, अन्यथा वे तीनों पुर अलग अलग हो जाए और एक पुर के नष्ट होने पर वह विमान नष्ट नहीं हो सकता है। कोई भी जब तक अलग अलग रहेंगे तीनों को एक साथ नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक वो नष्ट होगा नहीं। उस पुर में अमृत का एक ऐसा कुंडा है जिसमें किसी मरे हुए व्यक्ति को भी डाल दो वो भी जी जाए। श्री शिवजी से प्रार्थना की, शिवजी युद्ध करने के लिए आए, जिन जिन दैत्यों को मारे, दैत्य बड़े चतुर, उसको ले जाकर के उस अमृत कुंड में एक झोरा दे और वही दोबारा जी जाए और दोबारा अधिक पुष्ट होकर के शिव जी के सामने युद्ध करने के लिए आ जाए। रुद्र भगवान कहे बड़े कठिन में तो इतनी मुश्किल से इसको मारा था और ये दोबारा जिंदा होकर के कैसे आ गया। शिव का मनोरथ फीका पड़ने लगा। उस समय भगवान स्वयं बने हैं गाय, ब्रह्मा जी को बनाया आपने बछड़ा और आप उस पुर के भीतर प्रवेश कर गए और उस सरोवर का पानी पीने लगे। दैत्यों ने देखा भी और फिर मन में विचार कर रहे हैं अरे गाय पानी पी रही है, पीने दो, कितना पिएगी, इतना बड़ा कुंडा भर रहा है, किसी ने भी टोका नहीं। श्री कृष्ण ने एक चुस्का जो लिया सो पूरे सरोवर के जल को आप एक घूंट में ही पी गए हैं। शिवजी को आपने धर्म रथ प्रदान किया। इसी धर्म रथ का वर्णन श्री मानस ने, गोसाई जी ने वर्णन किया राम रावण युद्ध में। श्री रामचंद्र जी रावण से कहते हैं कि मित्र, विभीषण से कहते हैं कि हे मित्र, जिसके पास में ये धर्म रथ में विराजमान है उसकी कभी भी पराजय नहीं हो सकती है। धर्म है रथ, इस रथ के ऊपर ज्ञान रूपी साक्षी विराजमान है, विरक्ति रूपी इस रथ में ध्वजा लग रही है, रिद्धि रूपी इसमें घोड़े हैं, इसमें तप रूपी धनुष है, विद्या रूपी कवच धारण किए हुए है वो वीर, और इसमें क्रिया रूपी अर्थात योग साधना रूपी शर विराजमान है। ऐसा धर्म रथ जिसके पास में विराजमान उसकी कभी भी पराजय नहीं हो सकती है। शिव ने जो बाण मारा त्रिपुर विध्वंस हो गया है। सब श्री त्रिपुरार भगवान की जय, शिव जी की जय जयकार कर रहे हैं। इस प्रकार शिव के मनोरथ को भी पूर्ण करने वाले भगवान श्री हरि ही एकमात्र विराजमान है। युधिष्ठिर महाराज ने मन में विचार किया कि लगे हाथ वर्णाश्रम धर्म को भी पूछ लिया जाए। श्री राघवर्ष चंद्रिका में विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने निरूपण किया कि राग मार्ग के पांच अंग हैं। एक अंग है स्वाभीष्ट भाव मय, जैसे कोई मंदिरी भाव से ठाकुर जी की सेवा करना चाहता है तो जो मंदिरी भाव है वह हुआ स्वाभीष्ट भाव मय।
या कोई बासल्य भाव से सेवा कर रहा है तो उसके लिए बासल्य भाव, कोई श्रृंगार रस के द्वारा सेवा कर रहा है तो उसके हृदय में सखी भाव, मंजरी भाव, यदि कोई दासी भाव से सेवा कर रहा है तो दासी भाव, सख्य भाव से सेवा कर रहा है तो सख्य प्रीति। तो जो मूल भाव है अपना स्थायी भाव उसको कहेंगे स्वाभिष्ट भाव में। दूसरा राजभक्ति का अंग है उसको कहेंगे स्वाभिष्ट भाव संबंधी। संबंधी का तात्पर्य है कि उसी नाम गुण इनका स्मरण करेगा। कृष्णम स्मरण जन्म चास्य प्रेष्ठम निज समीहितम तत्त कथा सच्चातो कुरियात बासत ब्रजेश्वरा। उसी स्वरूप का वो स्मरण करेगा, उसी परकर का स्मरण करेगा, उसी धाम का स्मरण करेगा और उसी प्रकार की लीला है। सक्ष रस का है तो सक्ष रस की लीला है, श्रृंगार रस का है तो श्रृंगार रस की लीला है, उनका ही स्मरण करते हुए विराजमान हो। तो इन नवभावक्ति को कहेंगे स्वाभिष्ट भाव संबंध। तो पहला हुआ स्वाभिष्ट भाव में, दूसरा हुआ स्व अभीष्ट भाव संबंध, तीसरा हुआ स्व अभीष्ट भाव अनुकूल। अनुकूल का मतलब है जिससे एक वातावरण प्राप्त हो, जैसे एक वैष्णव तिलक धारण कर रहा है, वैष्णव वेश धारण कर रहा है, तो तिलक धारण करने से, कंठी धारण करने से, वैष्णव वेश धारण करने से एक एटमोस्फियर, एक वातावरण बनेगा स्वाभिष्ट भाव अनुकूल। फिर स्वाभिष्ट भाव अविरुद्ध, चौथा भाव हुआ स्वाभिष्ट भाव अविरुद्ध। अविरुद्ध का तात्पर्य है जिससे भजन करने में थोड़ी सी अनुकूलता या सहायता मिले, जैसे डॉक्टर एक तो देता है मुख्य दवाई रोग की और उसके साथ में लाल पीली गोली और देता है विटामिन की या और कोई की, अब ये सारी गोलियां मिलकर के एक कंपाउंड बना करके शरीर के साथ में मिलकर के फिर रिएक्शन करती है, तो वे गोलियां भी व्यर्थ नहीं है, जब मुख्य दवाई नहीं है परंतु मुख्य दवा न होने पर भी वह सहायक होकर के कहीं ना कहीं विराजमान। इसी प्रकार सत्य बोलो, पवित्र रहो, जीव मात्र की दया करो, अब ये साक्षात भक्ति नहीं है परंतु भक्ति में सहायक होकर के विराजमान, तो उसको हम कहेंगे स्वाभिष्ट भाव अविरुद्ध। और पांचवी जो वस्तु है वो है स्वाभिष्ट भाव विरुद्ध। जो विरुद्ध है उसका डॉक्टर निषेध करेगा, बोले खटाई मत खाना, तेल मत खाना, इसके साथ में ज्यादा थोड़ा आराम करना, तो ये जो है जो उसने परहेज बताया वो हो गया स्वाभिष्ट भाव विरुद्ध। तो वर्णाश्रम धर्म स्वाभिष्ट भाव अविरुद्ध और विरुद्ध, इन दोनों को साथ के साथ में बताते हैं, तो भजन में उपयोगी होकर के वर्णाश्रम धर्म भी कहीं ना कहीं विराजमान है कि भाई ये कुपथ्य है और ये सुपथ्य है, तो पथ्य और कुपथ्य इन दोनों को स्थापित करने के लिए वर्णाश्रम धर्म कहीं उपयोगी होकर के विराजमान। इसलिए श्री नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज के सामने उनके पूछने पर ये वर्णाश्रम धर्मों का निरूपण किया। जब गृहस्थ धर्म का विशेष रूप से श्रवण करना चाहा है इस वर्णाश्रम धर्मों में, उस समय श्री नारद जी विशेष रूप से कह रहे हैं कि अधर्म की पांच शाखाओं का सावधानी पूर्वक एक गृहस्थी को त्याग करना चाहिए। विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल, ये अधर्म की पांच शाखाएं हैं। विधर्म का तात्पर्य है जिससे अपने धर्म में बाधा पड़े उसका नाम है विधर्म, जैसे मदिरा सेवन, परस्त्री गमन, ये अपने धर्म में बाधा डालने वाले, इसलिए विधर्म का त्याग करें। परधर्म का तात्पर्य है कि दूसरे के द्वारा प्रेरित होकर के, स्वयं तो इच्छा नहीं है परंतु दूसरे के द्वारा प्रेरित होकर के अधर्म का कार्य करने लगा लगना, देखा देखी वातावरण को देख करके अपने धर्म का त्याग कर देना, दूसरे धर्म का पालन करने लगना, उसका नाम है परधर्म। जैसे युधिष्ठिर स्वयं जुआ खेलने में प्रवृत्त नहीं है परंतु यदि कोई चुनौती दे तो तुरंत बैठ जाएंगे, अभी कोई बात नहीं किया कि स्वयं तो जुआ नहीं खेलेंगे, कोई कह आ जाओ तीन पत्ती खेलो तो तुरंत बैठ जाओ, ये कोई बात है क्या?
मना करना भी आदमी को आना चाहिए, ये मना करना भी सीखना चाहिए। ऐसा नहीं समझी है, हाँ 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 ऐसा नहीं, कभी कभी मना करना भी ढंग से आना चाहिए। तो परधर्म का इसका नाम है परधर्म, उस परधर्म का त्याग करते हुए विराजमान। तीसरा है आवास, आवास धर्म। आवास धर्म उसे कहते हैं कि जहां जो अपने धर्म के अनुकूल नहीं है उसके विपरीत कोई देश या आचरण को करते हुए विराजमान। अब गृहस्थी हो तो त्याग कर्म करते हुए विराजमान होगे, भाई तीसरे दिन दाढ़ी बनानी है तो दाढ़ी बनाओ, अपने शेव करके बैठो। अब गृहस्थी हो इतनी बड़ी दाढ़ी इतनी बड़ी जटा लगा के बैठे, तो ये जो है वो आवास धर्म हो जाएगा। गृहस्थी है तो उसकी वेशभूषा गृहस्थी के अनुसार होनी चाहिए। फिर वो गृहस्थी रह करके और बाबा जी का वेश धारण करके रहे, और बाबा जी है और फिर गृहस्थी का वेश धारण करके रहे, ये दोनों ही उचित नहीं है। तो इसको कहते हैं आभास रूपी अधर्म। तो आभास अधर्म का भी त्याग करें। उपमा उसका नाम है कि जहां पर कहीं पाखंड धारण करके वेश बदल करके किसी को ठगने का प्रयत्न करना, उसका नाम है उपमा। जैसे इंद्र कापाली का वेश धारण करके है तो चोर, पृथ्वी महाराज के घोड़े को चुरा करके ले जाता है, परंतु वेश धारण कर रखा है उसने कापाली का यति का, तो वो कहलाएगा उपमा। और छल उसका नाम है कि जहां शब्दों की हेर फेर करके उनको अपने अनुकूल बना करके अपनी सुविधा के अनुसार उनका अर्थ निकालना, उसका नाम है छल। ये छल रूपी धर्म भी नहीं करे। जो सबके हृदय में जो जो छल है शब्दों के साथ में खिलवाड़ करना, वो नहीं। स्मरण भजनम चापी न त्याज बेमती, बल्लभाचार्य जी ने एक पंक्ति दी कि ठाकुर जी का स्मरण और भजन नहीं त्याग करना चाहिए। स्मरण भजनम चापी, परंतु कोई चापी का अर्थ कहे कि भाई सुबह मॉर्निंग टी पी करके फिर स्मरण भजन करे, तो ये छल छलबाजी हो जाएगी, ये उचित नहीं होगा कि चाय पी करके स्मरण भजन करे। अजी इस तरह का जो शब्दों का हेर फेर करना वो छल हो जाएगा, तो ये छल करना ये उचित नहीं है। सुंदर जी ने कहा विधर्म परधर्म, विधर्म माने धर्म में बाधा डालने वाला धर्म, परधर्म माने किसी दूसरे से प्रेरित होकर के पाप में प्रवृत्त होना, आभास माने जो अपना स्वरूप है उसको त्याग करके दूसरा स्वरूप धारण करना, उपमा उसका तात्पर्य है जान बूझ करके दूसरा वेश धारण करके अपने दोषों को छुपाने का प्रयत्न करना, और छल माने शब्दों के साथ में खिलवाड़ करते हुए अपनी स्वेच्छा के अनुसार अपनी सुविधा के अनुसार उन शब्दों का अर्थ करना जो यथार्थ अर्थ है उसका त्याग करना, यह नहीं करना चाहिए। कि पांच प्रकार के अधर्मों का सबसे पहले तो त्याग करें, फिर ये मन में विचार करके चले कि मुझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, यह संसार नहीं है यह एक बगीचा है, यह संसार नहीं है यह एक मार्ग है, यह शरीर रथ है, इंद्रिय उसमें घोड़े हैं, मन उसमें लगाम है, बुद्धि सारथी होकर के विराजमान है, धर्म अधर्म ये ही पहिया होकर के विराजमान है, अभिमानी जीव रथी होकर के विराजमान है, बाण है शुद्ध जीव और लक्ष्य है परमात्मा को प्राप्त करना। इस प्रकार परमात्मा को प्राप्त करना, उनके चरणारविंद को प्राप्त करना, यही मुख्य धर्म होकर के विराजमान है। आहु शरीरम रथमिंद्रियाणि हयान अभिषु मंद इंद्रियेशम वर्तमान मात्रा दुष्णाच सूतम सत्वम व्रत बंधु बंधुरंग ईशम सुष्ट। इस प्रकार परमात्मा जो है वो परमात्मा ही परम लक्ष्य है, शरीर को प्राप्त किया इसके द्वारा परमात्मा को ही प्राप्त करते हुए साधक विराजमान। साधक का यह कर्तव्य है कि वह भावाद्वैत क्रियाद्वैत और दिव्या
प्राप्त करें। भावाद्वैत का तात्पर्य है कि सब में राम, यह विचार करें। क्रियाद्वैत का तात्पर्य है मेरी जितनी भी चेष्टाएं हैं वो कहीं ना कहीं ठाकुर के साथ में जुड़ जाए, माने स्नान दंत धावन ये भी भगवत सेवा के लिए कर रहा हूं, ये विचार करना। शरीर की शुद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि भगवत क्रिया के लिए कर रहा हूं, ये हो गया क्रियाद्वैत। भावाद्वैत का तात्पर्य है संसार की सारी वस्तुएं, जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब प्रभु की सेवा के लिए है। क्रियाद्वैत का तात्पर्य है कि मेरी सारी चेष्टाएं, यहां तक कि जो गहरी नींद में सो रहा हूं वो भी भगवत सेवा के लिए है। स्नान दंत धावन मन त्याग यह भी भगवत सेवा में उपयोगी है, तो उसको भी कहीं कहीं भगवान के साथ में जोड़ करके चले। और दिव्याद्वैत इसका मतलब है कि मुझे अपने सुख के लिए कोई कार्य नहीं चाहिए, सारी वस्तुएं भगवत सेवा के लिए। नारदी ने गजब गजब करके माने ये तीन वस्तुएं यदि गृहस्थी यदि अपना ले तो उसका पूरा जीवन भक्ति बन जाए। भक्तिमय जीवन कहने के लिए तो कह देते हैं जी साहब भक्तिमय जीवन है, भक्तिमय जीवन है, परंतु भक्तिमय जीवन कब होगा? जब द्रव्याद्वैत, क्रियाद्वैत और भावाद्वैत, प्रत्येक वस्तु ठाकुर की सेवा के लिए है, प्रत्येक क्रिया ठाकुर की सेवा के लिए है और प्रत्येक भाव श्री प्रभु की सेवा के लिए। ये भाव यदि जीवन का एक व्यवहार बन जाए तो उसका नाम फिर भक्तिमय जीवन होगा, उसको प्राप्त करते हुए विराजमान हो। नारद जी ने जब ये उपदेश दिया, युधिष्ठिर महाराज एकदम कृतकृत्य होकर के विराजमान हो गए। श्री नारद जी बोले, बोले युधिष्ठिर हम तब से बोले जा रहे हैं बिना रोके, अरे अब तो हमारी भेद पूजा कुछ हो जानी चाहिए। नारद जी बोले, श्री युधिष्ठिर बोले, बोले महाराज ये राज्य बल कोष ये शरीर सब आपके चरणों में समर्पित है, कोई नहीं नहीं लोभी बनने की बात मत करो, तुम्हारे पास में जो माल है उसको तो छुपा रहे हो और ये राज्य बल कोष इनको हमको समर्पित कर रहे हो, इससे काम नहीं चलेगा आपके, तो हम गहरी विदा लेंगे, गहरी दक्षिणा देंगे। तुम्हारे ऐसा मेरे पास में कौन सा धन है? नारद जी कह रहे हैं जैसा धन तुम्हारे पास में है ऐसा धन और कोई के पास में नहीं है, हमने इसी राजश्री यज्ञ में देखा है श्री कृष्ण तुम्हारी ओर से ब्राह्मणों के चरण धोने की सेवा ग्रहण करते हुए विराजमान, जरा कृष्ण के हाथ को पकड़ करके हमारे माथे के ऊपर रखवा दो। युधिष्ठिर बोले बस इतनी सी बात, तुम्हारी भी इतनी सी होगी हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। श्री युधिष्ठिर ने उसी समय कृष्ण को बुलाया, बोले भैया कृष्ण जरा सुनना, आप कहां थे? बोले ब्राह्मणों के चरण धोने की सेवा कर रहे थे, सो झाड़ी तो पधराए किसी दूसरे सेवक को और जो अपने पटकार से कमर से हाथ पहुंचते पहुंचते युधिष्ठिर के सामने अंजलि बांध करके खड़े हुए। श्री कृष्ण युधिष्ठिर बोले बोले जरा अपना दाहिना हाथ लाओ। श्री कृष्ण ने हाथ आगे कर दिया, युधिष्ठिर ने अंगूठा पकड़ करके नारद जी के सिर के ऊपर जो रखा, नारद जी तो कृतकृत्य हो गए। बोले युधिष्ठिर जैसी गुरुदक्षिणा तुमने प्रदान की ऐसी और कौन दे सकता है जो कृष्ण कृपा प्राप्त कराए, इस दान से बढ़कर के और कौन होगा? वे गुरुदेव सर्वदा सर्वदा बंदनी जो हाथ पकड़ करके सिर पकड़ करके चोटी पकड़ करके कृष्ण के चरणारविंद में सिर को रखवा दे, उनसे बढ़कर के कृष्ण को प्राप्त करा दे, उनसे बढ़कर के और कौन दाता हो सकता है? ऋषि गुरुदेव भगवान की युधिष्ठिर अत्यंत अत्यंत आनंदित हुए हैं। नारद जी कृष्ण की पूजा करके, कृष्ण नारद जी की पूजा करके, दोनों दोनों की पूजा कर रहे हैं। नारद जी पूजा ग्रहण कर रहे हैं किसके लिए? संसार की शिक्षा के लिए, स्वयं पूजा कराने की अभिलाषा नहीं है, पर कृष्ण यदि प्रसन्न होते हैं जगत को मेरे माध्यम से शिक्षा देना चाहते हैं तो नारद जी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, शिक्षा देने के लिए उपकरण बन करके पूजा ग्रहण कर रहे हैं, स्वयं श्री कृष्ण की सेवा करते हुए विराजमान। राजा ने कहा बोले मारे हमारे सामने विभिन्न मनमंत्र उनके चरित्रों का निरूपण करें,
श्रीमद् भागवत की संहिता में स्वयंभू मन्वंतर का ही विशेष रूप से वर्णन किया गया। प्रथम स्कंध को यह छोड़ दें, प्रथम स्कंध में वर्तमान वैभव सूक्ष्म मन्वंतर का वर्णन है, पांडवों की कथा है। इसके बाद में द्वितीय स्कंध, तृतीय स्कंध, चतुर्थ स्कंध, पंचम स्कंध, इन सब में वैभव सूक्ष्म मन्वंतर की ही कथा है। षष्ठ स्कंध में कुछ देर के लिए चाक्षुष मन्वंतर की कथा है। द्वितीय वर्ग सप्तम स्कंध, षष्ठ स्कंध में भी वैभव सूक्ष्म मन्वंतर की कथा, सप्तम स्कंध में चाक्षुष मन्वंतर की नृसिंह वर्ग उनकी कथा थोड़ी सी वर्णन की गई है। अब बाद बाकी के जो शेष मन्वंतर थे उनकी कथा को भी श्री परीक्षित श्रवण करना चाह रहे हैं, इसलिए पूछा बोले इन मन्वंतरों की कथा का हमारे सामने वर्णन करें। फिर इसके बाद में नवम स्कंध, दशम स्कंध और एकादश स्कंध में वैभव सूक्ष्म मन्वंतर हमारे मन्वंतर की ही कथा चल रही है। द्वादश स्कंध में भी हमारे मन्वंतर की कथा, तो शेष मन्वंतरों में तो वर्तमान मन्वंतर की कथा है, बाकी के सात मन्वंतर तक जो कथा है प्रथम स्कंध को छोड़ करके छह मन्वंतरों में उनमें केवल स्वयंभो मन्वंतर उसकी ही कथा का श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं सुनो, विभिन्न मन्वंतरों में भगवान ने अनेक अनेक अवतार धारण किए, स्वयंभो मन्वंतर में आप कपिल और यज्ञ होकर के उत्पन्न हुए, स्वारोचिष में आप विभु होकर के उत्पन्न हुए, आपने ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया, उत्तर मन्वंतर में भगवान शक्तिसेन होकर के उत्पन्न हुए, असत्यशील दैत्यों का वध किया, चौथा तामस मन्वंतर हुआ, भगवान हरि होकर के उत्पन्न हुए हैं, कौन हरि बोले जिन्होंने गजेंद्र की गा पाश से रक्षा की। बोले इस चरित्र को मैं श्रवण करना चाहता हूं। सुखदेव जी कह रहे हैं आपी गिरवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुता, त्रिकूट नाम करके एक पर्वत है बड़ा प्रसिद्ध, जिसके चांदी के, लोहे के और सोने के तीन शिखर हैं। इसकी उपत्यका में वरुण देवता का बड़ा सुंदर एक उद्यान है, जिसमें शीत सुंदर वायु प्रवाहित हो रही है, शीतल मंद सुगंध वायु जहां पर निरंतर निरंतर विराजमान है, सुंदर वृक्षों की जहां पर पंक्ति विराजमान है, एक बड़ा सुंदर सरोवर है, उस सरोवर में एक गाह निवास करता था, उस वन में एक गजेंद्र निवास कर रहे हैं। जब ग्रीष्म ऋतु आई गजेंद्र अपनी हथनी छोनों को लेकर के जल केली करने के लिए जो निकले, कोरी कोरी जल की सुगंध आती हुई देख करके ये तो आर्त होकर के जल के अंदर घुस गए हैं, सूर में जल भर करके स्वयं पान किया, सूर में जल भर करके कभी हथनी के ऊपर डाले, कभी छेनों के ऊपर डाल रहे हैं, कमलों से जल के लिए कंदुक क्रिया करते हुए विराजमान है। वहां पर जो गा रहता था उसने मन विचार किया कि हे ये कौन सा हाथी आया है जिसने मेरे सारे सरोवर के जल को गंदा कर दिया। सो पीछे से आकर के गजेंद्र के पैर को जो पकड़ा, गजेंद्र जहां गिरे फिसले, सोई जगत की रीति ऐसी जब तक सुख है तब तक तो चार जने साथ में रहे, जहां आपत्ति आए सब किनारा कस जाए। सो हाथी अलग, हथनी अलग, छोना अलग, सब किनारा कर गए हैं। लोग लज्जा के कारण अपने प्राणों को बचाने के लिए बलवान बलवान हाथियों ने केवल दिखाने के लिए गजेंद्र की पूंछ में सूल लगा करके जरा सा खींचने का प्रयत्न किया, परंतु जब नहीं निकाल सके तो गजेंद्र को छोड़ करके राम भरोसे ये सब के साथ लौट गए। गजेंद्र स्थल के जीव हैं, उनका बल घटने लगा, गाह का बल अत्यंत अत्यंत बढ़ने लगा है। गजेंद्र तो जान गए कि ये गाह पाश नहीं है, यह काल पाश ही मेरे पास चरणों में पड़ी हुई है, श्री हरि ही इसके
करने वाले हैं, ये विचार करके श्री गजेंद्र उस समय जो भगवान के श्री चरणारविंद प्रणत हुए उसी समय श्री गजेंद्र को भगवत भक्ति पूर्व जन्म की अपने आप स्फुरित हुआ और श्री गजेंद्र भगवान का स्मरण करते हुए उस समय कहने लगे कि ओम नमो भगवते तस्मै यत एतत् चिरात्मकम्। पहले बीज मंत्र का उच्चारण किया कि आ उमो के रूप में जो वासुदेव जीव और जगत के रूप में सर्वत्र सर्वत्र विद्यमान उन श्री प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। अ का तात्पर्य है वासुदेव, मां का तात्पर्य है जीव और ऊ का तात्पर्य है जितने भी साधन, उन साधनों में संसार की जितनी भी वस्तु देह उनको प्राप्त करके भक्ति का ही एकमात्र यदि आश्रय ग्रहण किया जाए तो भक्ति के आश्रय के द्वारा ही परमात्मा का सम्यक साक्षात्कार और सम्यक अनुभव हो सकता है। उनका तात्पर्य है साधन, माने कर्म साधन से भगवान की सम्यक प्राप्ति नहीं, ज्ञान साधन से भी भगवान की सम्यक प्राप्ति नहीं, भगवान का पूर्ण दर्शन यदि कहीं प्राप्त है तो उन माने भक्ति रूपी साधन के द्वारा ही, और भक्ति की जाएगी इस देह से कृत साध्या भवे साध्य भावा का साधना विधा जो इंद्रियों के द्वारा की जाए उस भक्ति का नाम साधन भक्ति है। तो इस देह के द्वारा श्री प्रभु की सेवा करना वही एकमात्र साधन है, भक्ति ही मुख्य साधन है। ऐसे प्रणव का उपदेश करके फिर उस प्रणव के विस्तार रूप में अब व्याख्या कर रहे हैं कि जो चेतन जड़ संपूर्ण समाज संसार के भीतर व्याप्त होकर के विराजमान है उन परेश श्री प्रभु की मैं वंदना कर रहा हूं। संपूर्ण संसार उनके भीतर ही एकमात्र विराजमान है, वे ही आदि कारण होकर के विराजमान है। मेरे शरीर के पशपाश में जो पड़े हुए हैं उनको वे ही ज्ञान प्राप्त कराने वाले हैं कृपा के द्वारा। बड़े बड़े उनके भक्तगण धर्म अर्थ काम मोक्ष इनका त्याग करके उनकी आराधना करके आराधना करते हैं, उनके एकांती भक्त सेवा के अतिरिक्त कुछ और नहीं चाहते हैं और उनके चरित्र का गायन करते हुए आनंद समुद्र में लीन हो जाते हैं। न वो देवता है, न असुर है, न मनुष्य है, न स्त्री है, न नपुंसक है, न पुरुष है, न जंतु है। प्रभो जिजीषवे नाहम, मैं जीने की इच्छा करने के लिए आपसे प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। इह अमया के इस संसार में रह करके, अमया माने इस तमो गुणात्मक हाथी की योनि में रह करके मैं क्या करूंगा। सो जिजीष में ना हम यहां मोया किम, मैं यहां पर इस हाथी की योनि में जीवित रहना नहीं चाहता हूं क्योंकि अंतर बहिश्चार प्रत्येक योनिया, ये योनि हाथी की योनि अंत और बहि दोनों ओर से आवृत ढांकने वाली होकर के ही विराजमान है। मैं आपसे जो प्रार्थना कर रहा हूं वो प्रार्थना कर रहा हूं कि काल के द्वारा भी जिसका कभी भी नाश न हो ऐसी लोकावरणस्य मोक्षम, ऐसी आपकी माया से मुझे मोक्ष की प्राप्ति मिले, अज्ञान से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो इसके लिए ही मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जीवित रहने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा। ऐसे शिव प्रभु को जब प्रणाम किया गजेंद्र की तेज इंद्र के पास में गई। इंद्र बोले कि अरे ये तो वही हाथी है जिसको हम बहुत वर्ष पहले लड़ते हुए देख आए, पर वो हमारी प्रार्थना को नहीं कर रहा है, वो तो ये कह रहा है धम यम धर्म आप कामार्थ विमुक्त कामा, धर्मार्थ काम इनसे मुक्त होकर के आराधना की जाती है, हमारी तो कोई आराधना करता नहीं है बिना अर्थ प्राप्ति करने की इच्छा से। गजेंद्र की तेज शिव जी के पास में गई, ब्रह्मा के पास में गई। ब्रह्मा कह रहे हैं कि शिव कह रहे हैं कि वो तो ये कह रहा है कि उनके एकांती भक्त धर्म अर्थ काम इनमें से तीनों वस्तुओं को नहीं चाहते हैं और उनके गुणानुवाद का गायन करते हुए नाचने लगते हैं, एक भी भक्त ऐसा
मौका नहीं मिला, हमको तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो हमारा नाम लेकर के नाच रहा हो, ब्रह्मा जी कहकर के नाचने वाला एक भी भक्त नहीं मिला। वो हमारा ध्यान तो कर नहीं रहा है, शिव जी मंदिर चार कर रहे हैं, भोग मोक्ष के लिए मेरी आराधना करने वालों की शिवालयों में भीड़ लगी हुई है, परंतु कोई भी निष्काम होकर के मेरी आराधना कर रहा हो सो नहीं है। सब यही कहते हैं अवृद्धानी बस छोटी बात हो। गजेंद्र के सबसे पीछे श्री नारायण के पास में पहुंची, हमारे हरि एकदम हर रास्ते उठ करके खड़े हो गए। भगवान को दो ही बात जल्दी मची, या द्रौपदी परित्राणे या गजेंद्र से मोक्षणे। श्री रूप गोस्वामी जी ने पद्यावली में पुराने जो कवि थे उनके आगे के पूर्व के उनके अनेक अनेक सूक्तियों का संकलन किया, श्री रूप गोस्वामी द्वारा संकलित किया गया या कोई वचन है कस्तित करके इस वचन को दिया गया है कि किसी अन्य कवि की किसी कवि की अध्ययन उसका नाम जो भी रहा होगा उस कवि की उक्ति है। रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि गजेंद्र रक्षा करते समय श्री प्रभु कितनी जल्दी दौड़े कि अतन्वित चमूपति प्रणीत हस्त मस्वी कृतम प्रणीत मलपादुकम किमित विस्मृतान तत्पुरम अवाहन परिष्क्रियम पतगराज मारोहत कर प्रवर भ्रमुदे भगवत त्वराय नमः। भगवान गरुड़ गरुड़ कहकर के जो उठ करके खड़े हुए, गरुड़ पास में ही थे। भगवान बोले गरुड़ चलो, गरुड़ बोले तुम्हारे रूखी पीठ है, गद्दी तकिया कस लूं अभी चलता हूं। भगवान बोले अरे रुक जा, तू गद्दी तकिया कसे, इतनी फुर्सत किसको है। भगवान उछल करके गरुड़ की रूखी पीठ के ऊपर ही बैठ गए। कोई भक्त पादुका लेकर के दौड़ा, भगवान ने पादुका धारण नहीं की। कोई छत्र लेकर के दौड़ा, आपने छत्र धारण नहीं किया। पास में ही चंड प्रचंड कुमुद कुंभेक्षण विश्वसेन भगवान के सारे सेनापति खड़े हुए थे, मन में विचार कर रहे हैं एक गाह को ही तो मारना है, मगर को ही तो मारना है। भगवान हमको देंगे, हम भी मारे आएंगे। भगवान को स्वयं जाने की क्या आवश्यकता है, परंतु तो श्री प्रभु ने किसी सेनापति को आदेश नहीं दिया, स्वयं ही गरुड़ के ऊपर बैठ करके चल 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 ऐसा कहकर के गरुड़ को जो हाका है। गरुड़ मन में विचार कर रहे हैं इस समय हनुमान जी होते तो कितनी सुंदर सेवा होगी। गरुड़ का सारा अभिमान खंडित हो गया कि हम उतनी सुंदर सेवा करने में, शीघ्रता से बलपूर्वक सेवा करने में हम समर्थ नहीं है जैसे हनुमान जी समर्थ है। सो आप गरुड़ के ऊपर विराजमान होकर के उस समय तत्रा खिला मरमयो हरे आविरासी, सारे देवता जिनका आश्रय लेकर के विराजमान वे हरि तुरंत ही गजेंद्र के सामने उपस्थित हो गए। बोलो हरे भगवान की जय। गजेंद्र ने जो भगवान के उड़ते हुए पिछोड़ा को देखा, पीतांबर को देखा है, जान गए। बड़े कठिन से गरुण गजेंद्र ने हाथ बढ़ा करके सूर बढ़ा करके एक कमर तोड़ा और उनको नारायणाखिल गुरु भगवान नमस्ते कहकर के आकाश में जो उछाला है। भगवान तो गरुण से बोले गरुण आज तेरी दीर्घ सूत्रता में मेरी प्रतिज्ञा में पट्टा लगने वाला है। यदि ये कमल नीचे गिर गया, मेरे प्रतिज्ञा की है कि पत्रम पुष्पम फलम तो योगे भक्ति अप्रयच्छती तद हम भक्ति व्रतम अश्नामी। यदि मैंने इसको ग्रहण नहीं किया तो मेरी प्रतिज्ञा में बट्टा लग जाएगा, आते रहना, कहा बिना बिना चल रहा है, मैं तो चला। ऐसा कहकर के आप गरुण के कंधे से कूद पड़े हैं और लपक करके बड़े दिन में आप चार भुजाएं काम में आई, आपने उस कमल को ले लिया, एक भुजा से कमल ग्रहण किया, दो भुजा से गजेंद्र की तिल मात्र सूर थी उसको आपने पकड़ करके गजेंद्र को उबारा और एक हाथ में चक्र लेकर के गाह से बोले कि अरे गाह छोड़ना है कि नहीं मेरे भक्त के पास। वो गाह बोला बोल महाराज एक बात पूछना चाहता हूं कि आप
अपने भक्त का ही उद्धार करते हैं जो आपके चरण को पकड़ता है, या जो भक्ति के चरण को पकड़ता है उसका भी उद्धार करते हैं। भगवान को कहना पड़ा भक्त का उद्धार पीछे जो भक्त के चरणों को पकड़े उस भक्त के भक्त का उद्धार पहले करता हूं। तो हमारे मैंने भी तो आपके भक्त का चरण पकड़ रखा है, गजेंद्र का चरण पकड़ रखा है। भगवान ने मारा जो चक्र नक्र का सिर काट दिया है, गा पाश से गजेंद्र को उस समय मुक्त किया। बोलो हरे भगवान की जय। वो गा क्रूर नाम करके गंधर्व हो गया है। पूर्व जन्म में ये गंधर्व इसी सरोवर में कभी स्नान कर रहा था, जल के लिए कर रहा था। देवल ऋषि यहां पर संध्या वंदन कर रहे थे, इसने आकर देवल ऋषि के पैर को पकड़ लिया। देवल ऋषि चौंक गए और शाप देते हुए बोले, बोले बच्चा हंसी करना अपने बराबर वाले के साथ में, हम तेरे बराबर के ही क्या? तूने गा की तरह से पैर पकड़ा, जब तू गा ही हो जा, वो ही गा होकर के विराजमान हुआ। श्री गजेंद्र ये पूर्व जन्म में पांडु देश के इंद्रद्युम्न नाम करके राजा थे। एक दिन ये जप करते हुए भगवत सेवा करते हुए आराधन में अपने आसन के ऊपर विराजमान है। इतने में ही इनके गुरु श्री अगस्त ऋषि इनके पास में आए। राजा मन में विचार कर रहा है कि मैं इस समय भगवत सेवा में हूं और सेवा में विग्रह अनुग्रह इनको कहीं सेवा प्रांत में गिना गया है, तो भगवान के अतिरिक्त और किसको प्रणाम करूं? ऐसा मन में विचार करके इन्होंने प्रणाम नहीं किया। अगस्त ऋषि तो हंसे, बोले बच्चा बनता तो भगत है परंतु किसी शिक्षा गुरु के पास में रह करके भजन की ठीक तरह से शिक्षा प्राप्त नहीं की है। ये जो बात कही गई है कि भगवत सेवा में निग्रह अनुग्रह नहीं करे, ये संसारियों के लिए कही गई। जिन गुरुदेव की कृपा के द्वारा भक्ति की प्राप्ति हुई, यदि गुरु का त्याग करके नाम जप करेगा तो गुरु हो अवज्ञा गुरु शास्त्र लंघनम, ये गुरु अज्ञा तो महा अपराध है, नामापराध हो जाएगा, फिर नाम कृपा नहीं करेंगे। इसलिए भले नाम जप कर रहा है, भले सेवा कर रहा है, यदि गुरु जी आए तो उस समय उठ करके गुरु जी को जरूर प्रणाम करें, और कुछ नहीं हो अपना ही आसन जो नीचे वाला है उसको खींच करके गुरु जी को समर्पित कर दे, गुरु जी को प्रणाम करे। गुरु जी तो अपने आप कहेंगे अरे जब कर आए बैठा दे बैठा दे भजन कर भजन कर, यदि उनसे कह भी आपको आज्ञा हो गए। अन्यथा गुरुदेव की कृपा के माध्यम से ही भगवत सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। जा तू भजन के अभिमान में बैठा रहा, सो आज भक्तुत्थ अंतराय उसके कारण शाप का पात्र हो गया है। चार प्रकार के अंतराय श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने निरूपण किए, सुकृतोत्थ दुष्कृतोत्थ अपराधोत्थ और भक्तुत्थ। पुण्य के द्वारा जो सुख की प्राप्ति हुई वो भी भजन में बाधा देने वाली, एक अपराध कराने वाली अंतराय, वो भी अंतराय। पाप के कारण कोई स्थिति आई वो भी अंतराय। अपराध तो मुख्य है ही, उसके कारण तो भजन में बाधा अंतराय आएगा ही आएगा। और एक अंतराय और है, उसका नाम है भक्तित्व। चार माला भी करेंगे तो मन में विचार करने लगे अजी साहब हमको बहुत भजना मिलती, तो ये जो अपराध है ये अभिमान वो भी भक्तित्व अपमान अपराध होकर के विराजमान, भक्तित्व अंतराय होकर के विराजमान। सो आज भक्तित्व अंतराय के कारण श्री अगस्त ऋषि ने इनको शाप दे दिया कि जा तू हाथी की तरह से बैठा रहा, तू हाथी ही हो जा। परंतु कृपा शिष्य के ऊपर पूरी बनी हुई है, उस कृपा के बल पर ही गजेंद्र को आज मृत्यु के समय भगवत स्मृति की प्राप्ति हो गई है। सो यद छया तत्र महाशया मुनि, ये यदच्छा शब्द भक्ति के साथ में बिल्कुल जुड़ा हुआ है। यदच्छा माने कृपा, कृपा के कारण से महामुनि आए और कृपा सर्वदा सर्वदा विद्यमान थी। ये जो स्तोत्र उनको मृत्यु के समय स्फुरित हुआ, वह स्तोत्र भी कृपा के कारण ही स्फुरित हुआ था।
श्री गजेंद्र के को गरुड़ के ऊपर स्थापित करके भगवान अपने धाम को लेकर के बढ़ावे। इस चरित्र को जो श्रवण करेंगे उनकी भगवत चरणारविंद में प्रीति लगेगी। तेषां प्राणात्यय चाहम ददामि विमलां मतिम, उनको प्राणात्यय के समय मैं विमल बुद्धि प्रदान करूंगा, अर्थात अपनी स्मृति उनको प्रदान करूंगा। इस प्रकार ये चौथे मन्वंतर का वर्णन किया। पांचवा रैवत मन्वंतर हुआ है। इस रैवत मन्वंतर में भगवान ने विष्णु होकर वैकुंठ होकर के अवतार धारण किया। छठा चाक्षुष मन्वंतर, जिसमें भगवान ने अजित होकर के अवतार धारण किया, जिन्होंने समुद्र को मथा। अजित भगवान के तीन स्वरूप हैं, एक अजित होकर के समुद्र मंथन करना, दूसरा कूर्म होकर के पृथ्वी को धारण करना, और तीसरा धन्वंतरी होकर के अमृत का बांटना, और मोहिनी स्वरूप होकर के उसका वितरण करना। ये अजित भगवान के ही विभिन्न स्वरूप होकर के विराजमान। शुभदेव जी कह रहे हैं इस मन्वंतर के चरित्र को, चाक्षुष मन्वंतर के इस चरित्र को तुम श्रवण कर। इंद्र को जब स्वर्ग का राज्य मिला, इंद्र की सवारी निकल रही है, तड़ धूम नगाड़े बज रहे हैं, उस समय इंद्र के ऊपर कुछ वृष्टि की जा रही है, इंद्र हाथी पर बैठ करके जा रहे हैं, छत्र लगा हुआ है, सब इंद्र की जय जयकार कर रहे हैं। इतने में ही सामने से दुर्वासा ऋषि चले आए। इंद्र ने दुर्वासा को प्रणाम किया, दुर्वासा ने अपने गले में पहनी हुई माला इंद्र को पहनाई दी। इंद्र ने माला ले तो ली पर पहनी नहीं। मन में विचार किया कि कहीं माला में कोई टोटका बोटका नहीं कर दिया हो, कहीं मेरी स्वर्ग समाप्त हो जाए। बड़ा डर रहे हैं मीमांसा, ये तो मीमांसा कहें कर्मकांडी हैं, मन में विचार कर रहे हैं कहीं टोटका बोटका नहीं हो जाए, कोई जादू टोना नहीं कर दिया हो। शास्त्र कहते हैं कि परस्त्रिय पर वस्त्रम चो परशैया परस्त्रिय पराग्नौ पचतम पाकम शक्रस्यापि श्रियम हरे। दूसरे की पहनी हुई माला, दूसरे का पहना हुआ वस्त्र, दूसरे की शैया, दूसरे की स्त्री और दूसरे की अग्नि पर पकाया हुआ भोजन, इनको खाने से अपनी लक्ष्मी नष्ट होती है, मीमांसा में ऐसा कहीं वचन आया। सो कहीं प्रसादी माला पहनने से, इनकी माला को मैंने पहना तो मेरी लक्ष्मी समाप्त नहीं हो जाए। सो इंद्र ने माला ले तो ली परंतु पहनी नहीं थी, उसको हाथी के ऊपर डाल दिया। हाथी ने ये समझा कि कोई खाने की चीज है, सो सूर से खींच करके टुकड़े टुकड़े करके पैरों में कुचल दिया। अब कोई दूसरा ब्राह्मण होता तो चुपचाप चला जाता। दुर्वासा जैसे अरवंगी ब्राह्मण बोले, राजा तुझे खुशामदी ब्राह्मण मिले होंगे, हमसरी का कोई डाली ठोका नहीं मिला, तूने भगवान की प्रसादी माला की अवहेलना की है, जा तू स्वर्ग की संपत्ति से भ्रष्ट हो जा। इंद्र का चेहरा काला पड़ गया है। उस समय दैत्यों ने आक्रमण किया, इंद्र स्वर्ग से भ्रष्ट हो गए। ब्रह्मा के सब देवता भगवान के पास में आए, भगवान ने दर्शन दिए। उस अजित भगवान के स्वरूप का क्षीर समुद्र पर केवल दो लोगों ने दर्शन किया, एक तो शिव और एक ब्रह्मा, जो परम निर्मल चित्त होकर के विराजमान, उनको उनका दर्शन हुआ और किसी को भी दर्शन नहीं हुआ, सबकी आंखें बंद हो गई है। भगवान मेघ शरीर की गंभीर वाणी में बोले कि हे देवता देखते हो, हे दानव देखते हो, तुम जाओ बल राजा के पास में, उनके साथ में तुम संधि करो। राजा का यह कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत स्वाभिमान का त्याग करके प्रजा के हित का ध्यान करते हुए संधि और विग्रह करे। जो राजा केवल व्यक्तिगत ईर्ष्या द्वेष उनके कारण युद्ध बोल ले देते हैं, वे अपनी प्रजा को भी अनावश्यक युद्ध में झोंक देते हैं और प्रजा को उसका दंड भोगना पड़ता है।
परंतु व्यक्तिगत स्वार्थ को न लेकर के लोक हित के स्वार्थ को दृष्टि में रखते हुए तुम इस समय बंद राजा के पास में जाओ और उनके साथ में संधि करके उनको ये समझाओ कि समुद्र में एक बहुत बड़ा संपत्ति विराजमान है, वो है अमृत। यदि उस अमृत को निकाल लिया जाए तो पूरी सृष्टि का बहुत बड़ा कल्याण होगा। हम लोक हित के लिए आपके पास में आए हैं और आपकी सहायता को प्राप्त करके विश्व का कल्याण, सारी प्रजा का कल्याण करना चाहते हैं। बल राजा अवश्य राजी हो जाएंगे, क्योंकि बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े शास्त्रिक हैं, नीति को जानने वाले हैं। मेरी सहायता से तुम समुद्र मथोगे, समुद्र मथने के लिए रई कोई मामूली रई से काम नहीं चलेगा, उसमें मंदर पर्वत को तो बनाना पड़ेगा रई, और बांस की सड़क को बनाना पड़ेगा डोरी। मेरी कृपा से तुम समुद्र को मतने में समर्थ होगे। दो चीज का ध्यान रखना, एक तो लोभ मत करना और एक क्रोध मत करना, क्योंकि लोभ और क्रोध करने पर बड़े बड़े बने बनाए कार्य, सुंदर सुंदर आयोजन, उनमें भी धब्बा लग जाता है। इसलिए दो चीज बस मत करना, काल को विषय भयभीत मत होना। ऐसा कहकर के भगवान अंतर्धान हुए। बल राजा के साथ में मिलकर के देवता दैत्य जो मंदराचल को उखाड़ करके ले चले, कंधे से मंदराचल फिसला, सब ने बहुत हल्ला मचाया, रोको रोको रोको, पंत कहीं रुके। पहाड़ जो घिरा, हजारों देवता देवतियों का चूरा कर दिया है पहाड़ ने। भगवान का स्मरण किया, भगवान स्वयं प्रकट हुए और कहा जारो जी जाओ रे जाओ, तुम पे जरा सा पहाड़ भी नहीं उठा। ऐसा कहकर के बाएं हाथ से उठा करके आपने मंदर पर्वत को श्री गरुड़ के ऊपर विराजमान किया। पांचरात्र दर्शन में पांचरात्र का तात्पर्य है जहां पांच प्रकार के ज्ञानों का निरूपण किया जाए, रात्र माने ज्ञान, उसका नाम है पांचरात्र। परतत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग और विषय, इन पांच ज्ञानों को जो निरूपण करे, कहने में आएगा कोई माने जीव, ईश्वर और जगत, ये तीन तत्व ही है। तो परतत्व जीव की मुक्ति, भुक्ति, योग और विषय, इनका जिसमें वर्णन हो उसका नाम पांचरात्र। उस पांचरात्र दर्शन में निरूपण किया गया कि श्री वासुदेव ही परतत्व हैं। वासुदेव का प्रथम उन्मेष यदि कोई है तो वे हैं श्री महालक्ष्मी। श्री जो है उनकी तीन शक्ति है, संकल्प शक्ति, क्रिया शक्ति और भूत शक्ति। संकल्प शक्ति रूप में सुदर्शन विद्यमान है, क्रिया शक्ति के रूप में श्री गरुड़ और भूत शक्ति के रूप में त्रिमात्म का माया, और उनसे ही ये सारा संसार माने एक स्वरूप शक्ति है और दूसरी त्रिमात्म का माया शक्ति, उनसे ही संपूर्ण संसार का विस्तार हुआ है। नाम भेद है, प्रकार तो पद्धति तो एक ही है, विषय वस्तु तो एक ही होकर के विराजमान। सो गरुड़ कोई मामूली वस्तु नहीं है, गरुड़ है क्रियाशक्ति। क्रियाशक्ति होने के कारण भगवान की क्रियाशक्ति कितनी बलवान होगी कोई आश्चर्य की बात नहीं। आपने नित्य सिद्ध श्री गरुड़ के ऊपर पर्वत को स्थापित किया। गरुड़ नित्य सिद्ध जीवों में है, हम लोग नित्य बद्ध जीवों में हैं, माने माया के प्रभाव से कभी भी प्रभावित हो सकते थे और प्रभावित हो गए, परंतु गरुण उन जीवों में है जिनके ऊपर माया कभी भी प्रभाव नहीं डालती है। तो जीव दो प्रकार के, परमात्म संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी ने वर्णन किया, एक है नित्य शुद्ध जीव, एक है नित्य बद्ध जीव। गरुण सभी के जो जीव है नित्य पार्षद, वे माया कितनी भी हो माया कभी भी उनको आकर्षित नहीं कर सकती है, परंतु हम सभी के जो जीव हैं वे अणु हैं और उनको माया आकर्षित करने में समर्थ हो जाती है। परंतु श्री माया प्रभु माया के प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए कृपा करके हमको श्री गुरु और वैष्णव और श्रीमद् भागवत इनको स्थापित करते हुए हमको माया से उबारने का उपाय भी कृपालु प्रभु
सहनता सहनता प्रदान करके रहते हैं। तो करुण ने उस पर्वत को सहन में ही ला करके समुद्र के किनारे रख दिया। बासुकी संत के पास में गए और केवल अमृत का हल्का लोह देकर के कि पंडित की चिट्ठी तुमको भी मिलेगी। इस लोह में श्री बासुकी संत को लेकर के आए हैं। बासुकी संत को चारों लपेटा, पर्वत को जो धक्का दिया, नीचे कोई आधार था नहीं, पर्वत जाकर के समुद्र की तली से कीच में जाकर के चिपक गया है, हिलेंगे, सबका मनोरथ फीका हो गया। भगवान समझ गए कि किसी विघ्नेश ने यहां पर विघ्न डाला है, परंतु विलोक विघ्नेश विधिन, विघ्न में ईश माने समर्थ, विधि का श्री प्रभु ने अपने मन में विचार किया। मन में विचार कर रहे हैं जहां मेरी कृपा वहां पर किसी विनायक की क्या सामर्थ्य कि वह किसी के कार्य में बाधा डाल दे। इसलिए श्री प्रभु स्वयं गरुण आप बड़ा सुंदर कच्छप स्वरूप धारण करके प्रकट हुए। श्री गणेश जी वह भगवान की कृपा शक्ति होकर के विराजमान। कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पहले गणेश और दुर्गा, षोडश मातृका और गणेश, इनकी जो पूजा की जाती है शास्त्र में, जो विधि है शिष्टाचार में जो विधि प्राप्त है, उसका तात्पर्य यह है कि भगवान की कृपा शक्ति की आराधना यदि कर लेंगे, गरुण जी की श्री गणेश जी की आराधना कर ली जाएगी, तो गणेश की आराधना करने पर फिर अन्य कोई विघ्न वह उपस्थित नहीं होगा। गरुण जी जितने, श्री गणेश जी जितने भी विघ्न हैं उन सबों को दूर करने में सर्वथा समर्थ है। इसलिए गणेश उपासना और दुर्गा जो है वो दुर्गम वस्तु को भी प्रदान करने वाली होकर के विराजमान है और जितनी भी दुर्गति उनको दूर करने वाली है। अतः भगवान की जो निग्रह शक्ति है दुर्गा, उनका आराधन करने से जो विघ्न है दुर्गति है, उन दुर्गति से निवृत्ति की प्राप्ति हो जाएगी। यहां पर कोई सामान्य फल को प्राप्त करने के लिए, सकाम फल को प्राप्त करने के लिए ही इनकी आराधना नहीं है, बल्कि निष्काम फल में भी निग्रह और अनुग्रह इन दोनों शक्तियों के द्वारा श्री भगवत भजन वान निष्काम बने, इसके लिए वैष्णव जन भी आधार ग्रहण करते हुए गणेश दुर्गा इनकी आराधना करते हुए विराजमान होती है और शिष्टाचार में, शिष्ट परंपरा में, आचार्य परंपरा में भी कहीं वह प्राप्त होता है। श्री गरु जिस समय चले गए और समुद्र में जब पर्वत को डाला गया, पर्वत हिले नहीं, भगवान ने कच्छप स्वरूप धारण किया। 1,00,000 योजन का जिनका विस्तार आप नीचे जाकर के पर्वत को सहज अपनी पीठ के ऊपर धारण कर रहे हैं, जब देवता देवी खबर खबर समुद्र मथे, आपको ऐसा लगे जैसे मेरी मैया मेरी पीठ खुजा रही है, अपूर्व से आनंदित हो रही है, मानो आप जगत को एक संदेश देना चाहते हैं कि विवेक धैर्य और आश्रय इन तीन वस्तुओं को अपनाया जाएगा तब तो सेवा फल की प्राप्ति होगी, और विवेक धैर्य आश्रय नहीं अपनाया तो सेवा फल की प्राप्ति नहीं होगी। विवेक का तात्पर्य है, बल्लभाचार्य जी ने विवेक की व्याख्या दी, परिभाषा दी कि विवेक अस्तु हरि सर्वम निजेच्छातक करिष्यति, करने वाली प्रभु की इच्छा हर इच्छा बलियसी, इस विवेक को सर्वदा धारण करना चाहिए। मेरे अपने प्रयास से अपने पुरुषार्थ से कुछ नहीं होने वाला है, भाग्य से कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि होने वाला है ठाकुर की इच्छा के द्वारा, पहली बात। फिर दूसरी बात वो है धैर्य, फल प्राप्त होने में भी यदि विलंब भी हो तब भी साधक को धैर्य रखना चाहिए। त्रिदुख सहनम धैर्यम आमृते सर्वता सदा, तीनों प्रकार के जो दुख हैं उनको सहन करना, इसका नाम ही धैर्य है। मृत्यु पर्यंत कभी न कभी तो ठाकुर की कृपा मिलेगी, मृत्यु के बाद में भी कहीं न कहीं कृपा तो
मिलेगी, यह मन में सर्वदा सर्वदा विचार रखना चाहिए। जब सामान्य विद्यार्थी को यह उपदेश किया जाता है कि अज्ञानत वर विप्राह विद्यां अर्थम च साधय, विद्यार्थी को सर्वदा ये विचार करना चाहिए कि मैं अगर अमर हूं इसलिए मैं विद्या पढ़ू, ये विचार करके विद्यार्थी यदि ये छोड़ दे पढ़ना, अजीब साहब कितना सा जीवन है क्या करेंगे, कोई बुद्धा आदमी ये विचार करके छोड़ दे